दसम वर्ग के विद्यार्थी कृपया ध्यान देंगे, इतिहास में हम लोग पाठ चार के अंतर्गत राष्ट्रवाद में हम लोग राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे और किन परिस्थितियों में हुई, खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक, दांडी यात्रा एवं चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ था उस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे आप लोग पढ़ चुके हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, राष्ट्रवाद का अर्थ राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है, अर्थात अपने राष्ट्र देश के बारे में चिंतन करना, सोचना, विचारना। जब किसी देश के लोग अपने देश के बारे में चिंतन करते हैं, सोचते विचारते हैं, तो उनमें देशभक्ति, देश प्रेम की भावना जागृत होती है, जो राष्ट्रवाद कहलाता है। जैसे भारत में राष्ट्रवाद के उदय के आप लोग राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक कारण के बारे में पढ़ चुके हैं, और जब भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास हुआ तो भारत के लोगों ने, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने जो अलग अलग क्षेत्रीय संगठनों में बिखरे हुए थे, विभाजित थे, अपने आप को एकजुट कर राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध एक मजबूत एवं प्रभावशाली राष्ट्रीय आंदोलन चलाने का प्रयास करना शुरू किए। और इसी प्रयास के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक सबसे प्रथम राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कैसे हुआ इसके बारे में आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना से ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास प्रारंभ होता है, क्योंकि भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध भारत की आज़ादी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ किया गया था, उसको इतिहासकारों द्वारा अनेक तरीके से अनेक चरणों में बांटा गया है। जैसे कुछ इतिहासकारों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चार चरणों में बांटा है। जैसे प्रथम चरण उदारवादी युग, दूसरे चरण उग्रवादी युग, तीसरा चरण गांधी युग और चौथा चरण स्वतंत्रता प्राप्ति का युग। किंतु हमने छात्रों को सहूलियत को देखते हुए समझाने के उद्देश्य से हम अपने अनुसार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को निम्नलिखित तीन प्रमुख चरणों में विभाजित करने का प्रयास किया है, जो निम्नलिखित इस प्रकार है। जैसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से ही, अर्थात
28 दिसंबर 1885 से ही शुरू होता है, जिसको प्रथम चरण कहा गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण का समय 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक माना जाता है। इस चरण को उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। उदार शब्द का अर्थ होता है नरम, क्योंकि इस चरण में, इस काल में अर्थात 1885 से 1905 ईस्वी के बीच भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व नरम दल के हाथों में था। वे शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक ढंग से अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन चलाया था, क्योंकि उनको विश्वास था कि हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है कि अंग्रेजों से लड़कर देश की आज़ादी हासिल कर सके। इसलिए उन्होंने शांति ढंग से, अहिंसात्मक तरीक़ों से अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ किया था। इसलिए इसे उदारवादी युग कहा जाता है। उदारवादी युग के प्रारंभिक नेता थे वयोवृद्ध नेता दादा भाई नरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ओमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले आदि प्रमुख थे। चूंकि दादा भाई नरोजी सबसे बुजुर्ग नेता थे, उनका नाम नरोजी था किंतु सबसे बुजुर्ग थे, इसलिए दादा भाई को उपाधि दिया गया था। और दादा भाई नरोजी पहला भारतीय थे जो अंग्रेजी शासनकाल में भारत से निर्वाचित होकर ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य बने थे। द्वितीय चरण, जिसका प्रारंभ 1905 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक माना जाता है, इस चरण को, इस काल को उग्रवादी युग के नाम से जाना जाता है। उग्रवादी शब्द उग्र शब्द शब्द से बना है। उग्र शब्द का अर्थ होता है गरम। इस चरण में अर्थात इस काल में 1905 ईस्वी से 1919 ईस्वी के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व गरम दल के नेताओं के हाथों में था। इस दल के, गरम दल के यानी इस चरण के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल थे। इन्हें संक्षेप में लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। इन लोग का ऐसा विश्वास था कि आज़ादी प्रार्थना करने, हाथ जोड़ने से नहीं मिलेगी, भारत की आज़ादी हासिल करने के लिए अंग्रेजों से लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। तृतीय चरण, जिसका समय 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक माना जाता है, इस चरण को गांधी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि तृतीय चरण में यानी 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में रहा था। क्योंकि महात्मा गांधी से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व गरम दल के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक के हाथों में था, किंतु जब 1919 ईस्वी के अंत में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में आया और 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में रहा
जिसके कारण 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक के काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इस चरण में, इस काल में महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक तरीके से अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध निम्नलिखित तीन आंदोलन चलाए थे, इसको संक्षेप में हम चर्चा कर रहे हैं, बाद में अगले क्लास में इसके विस्तार से बताया जाएगा। पहला है असहयोग आंदोलन। असहयोग का अर्थ होता है सहयोग नहीं करना, सहायता नहीं करना। अर्थात जो महात्मा गांधी 1918 ईस्वी तक अंग्रेजी सरकार के सहयोगी थे, वे महात्मा गांधी अंग्रेजों के विश्वासघात रवैये के कारण अंग्रेजों के असहयोगी हो गए, अंग्रेजों के विरोधी हो गए, और उन्होंने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध 1920 से 1922 के बीच अर्थात 1921 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार के कार्यों में बाधा डालने के उद्देश्य से, रुकावट डालने के उद्देश्य से जो आंदोलन चलाया वह असहयोग आंदोलन कहलाया। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सरकार को आर्थिक क्षति पहुंचाने का काम किया, अंग्रेजी सरकार के कार्यों में बाधा उपस्थित करने का कार्य किया। इस आंदोलन के दौरान एक और सरकारी शिक्षण संस्थाओं, कोर्ट कचहरियों, नौकरियों, उपाधियों, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने पर बल दिया गया, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान खोलने, पंचायतों द्वारा मुकदमा का फैसला करने, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने एवं तिलक राजकोष में धन दाने का कार्यक्रम चलाया गया। महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध दूसरा हिंसात्मक आंदोलन 1930 ईस्वी में चलाया गया, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाया गया। सविनय का अर्थ होता है शांतिपूर्वक, अवज्ञा का माने उल्लंघन करना अर्थात तोड़ना, भंग करना। महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार के कठोर नमक कानून को 6 अप्रैल 1930 को डांडी में शांतिपूर्वक भंग कर तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, क्योंकि अंग्रेजी शासनकाल में जो हम लोग नमक खाते हैं, नमक का दाम काफ़ी अधिक था, गरीब लोग नमक खरीद नहीं पाते थे, भारत में भारतीयों का नमक बनाने का अधिकार नहीं था। अतः महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद जिले के साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को अपने 78 साथियों के साथ 24 दिनों में 250 किलोमीटर पैदल यात्रा तय करते हुए 5 अप्रैल 1930 को सायंकाल डांडी नामक समुद्र के किनारे पहुँचे और रात्रि में समुद्र के जल से नमक तैयार कर 6 अप्रैल 1930 को सुबह में अंग्रेजी सरकार के कठोर नमक कानून को शांतिपूर्वक भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। तीसरा आंदोलन है अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में चलाया था। महात्मा गांधी अंग्रेजों के अत्याचार से सहते सहते उब चुके थे, और जो महात्मा गांधी नरम थे उनको भी 1942 ईस्वी में गर्म करना पड़ा, अंग्रेजों के प्रति कड़ा रुख अपनाना पड़ा। जैसे क्रिस्ट मिशन के सफलता के बाद महात्मा गांधी ने 7 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई, उसमें 8 अगस्त 1942 से अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इस प्रस्ताव को पास हो जाने के बाद महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन को शुरुआत करते हुए इसे सफल बनाने के लिए भारतीयों से करो एवं मरो का अपील किया। इस आंदोलन में बिहारी छात्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और 11 अगस्त 1942 को पटना विधानसभा यानी सचिवालय पर झंडा फहराने के प्रयास में
7 छात्र शहीद हुए, जिसमें औरंगाबाद जिले के ओबरा थाना खराटी ग्राम के शहीद जगतपति कुमार भी एक थे। तो महात्मा गांधी के द्वारा तृतीय चरण में निम्नलिखित 3 आंदोलन चलाए, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी का अंतिम निर्णायक आंदोलन था, यद्यपि अंग्रेजी सरकार के कठोर दमन नीति के कारण यह आंदोलन असफल हो गया, फिर भी इस आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार की नींव हिला दी, जड़ हिला दी, जिसके फलस्वरूप महात्मा गांधी को चौथा आंदोलन चलाने का प्रयास नहीं करना पड़ा और अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ।